हाँ बा। रणवीर, घड़ी है ना तेरे हाथ में, या टाइम याद दिला दूं? सब याद है बा, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। समझ गई बा। महाराज जी, याद है ना क्या क्या खाना बनाने का है? महाराज, अब खाना अपने आप तो नहीं बनेगा ना, है ना? चंचल। हाँ बा। महाराज के 300 रुपए काटने हैं। 300? ऐसे सिर्फ 300 मत बोल, अपने लिए सिर्फ 300। उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, याद रहेगा ना? ताजा खाना सिर्फ मालिक के लिए, बासी खाना इनको खाना पड़ेगा। हाँ बा। भाई, शादी की तैयारियों में क्यों डिस्टर्ब करना है? हाँ ठीक है, नंबर डिलीट कर देते हैं ना। जाता जाता हूँ। जाना। जय श्री कृष्ण बा। अरे मोढ़ा मा मग भरा, कुछ बोलना। बा, आप गौरी के साथ गलत कर रहे हो। बेचारी को प्यार का हक नहीं है क्या? कल आप हमारे साथ भी ऐसा ही करोगे। मैं ना आपकी पसंद की लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, रुचिका से। अरे भाई प्रतीक, यू कब तक भूत की तरह खड़ा रहेगा, कुछ बोलना। बा, आज शाम को जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मतलब गौरी दीदी, गौरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्यार में क्या रखा है, हमें तो बस शादी करनी है, प्यार नहीं है ना बा? तो बस बा, ये कहना था। जय श्री कृष्ण। उसकी फोटो नहीं, नहीं यार, करने के लायक ही नहीं है। पर बा, मैं दिशा। अरे देवर्ष। हाँ बा। आ तेरे वाले दिख के, तुझे मेरे अंजार वाले झुमके पसंद है ना? बहुत पसंद है बा। बहुत पसंद है तो ले ले। वाह वाह, दैट्स सो प्रीटी, मुझे हमेशा से ये चाहिए थे। दिशा, तुझे पता है ना गौरी को किसने भगाया? हाँ बा, ईशानी ने। अब क्या करेंगे कर? ना बा को सब पता चल गया। गौरी को हमें कभी साथ नहीं रहने देगी, वो हमें जीने भी नहीं देंगे। क्या करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मर जाए। प्रणव, हम साथ जी नहीं सकते ना, मर तो सकते, कम से कम साथ तो रहेंगे। तुम ये चाहती हो पर ठीक है।
पत्थर दिल हो तुम। शानी मैंने बा को कुछ भी नहीं बताया, मेरी बात मानो। कितना झूठ बोलोगे रणवीर, कितना झूठ बोलोगे। मेरे सामने तुमने बा को फोन किया था, सब याद है बा, यही कहा था ना तुमने। हाँ पर कितने बड़े झूठे हो रणवीर, कितने बड़े चमचे हो तुम। अपनी वफादारी के सामने तुम कुछ भी नहीं दिखता ना, ना दोस्ती ना प्यार। इसीलिए किसी की दोस्ती के लायक नहीं हो तुम, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। हाँ जो तुमने गौरीदी के साथ किया है ना रणवीर, उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। पता नहीं अब्बा उनके साथ क्या करेंगे। हाथ मत लगा, घर की बेटी है। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ तू जानती है ना कि कल तेरी शादी है और तू इस लड़की के साथ। मैं पूछती हूँ कौन है ये झोकरा? प्रणव, प्यार करती हूँ मैं इससे, प्रॉमिस नहीं करती। इसके अलावा और किसी के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती। माधवी, अब बात तेरे हाथ में नहीं रही, घर से तो मेरे भागी है ना ये। हाँ, जब ये पकड़ी गई ना तो ये बोलती है कि मैं आग में कूद के अपनी जान दे दूंगी। प्यार करते हो, मरोगे एक दूजे के लिए। संसल जा, घास लेट ले गया, इनकी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। अरे भाबा, आप ये क्या कर रहे? बच्ची है, बाहर से गलती हो गई। तेरी बच्ची बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद करने लगी है। तो खड़े रहने दे उसे अपने फैसले पर। मासूम जॉन, बा नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए बा, प्लीज चाहिए ना बा को। देख भाई, हम तुझे मार नहीं सकते, तेरी प्यार की परीक्षा है, खुद ही पास हो जान भैया। मेरे तरफ से शगुन। प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। अरे छोड़ दो, ते मैंने कहा पकड़ के रखा है, वो तेरे लिए जान देने को तैयार है। रोमिल के साथ शादी कर ले, मैं उसकी जान बचा लूंगी। क्यों? गौरी तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। ये लोग मेरी जान लेना चाहते ना, आग लगाना चाहते ना, आप लोग आग लगाना चाहते ना मुझे। रुक जाओ। क्या चल रहा है सब इस घर में? ये सब क्या है बा? रणवीर ने बताया मुझे अभी। रणवीर ने पापा को फोन किया था, बा को नहीं। मैंने यूं ही उसे इतना सुना दिया। मैंने आज तक आपके सामने कभी कोई दलील नहीं की है। आप सिर्फ मेरी बा नहीं बल्कि इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं। मैं जानता हूं कि कैसे आपने 5 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे इस घर के लिए सब। लेकिन ये बच्चे आपस में प्यार करते हैं बा, और मैंने अपनी बच्चियों को सिखाया है कि जीवन में प्यार से बड़ी और कोई चीज नहीं है।
मेरे जीने की वजह मेरी आशिकी है बा। और उसी आशिकी की वजह से आप इसे सजा दे रही? नहीं बा, हम अपने बच्चों के प्यार का गला नहीं घोट सकते बा। प्लीज बा, इन दोनों को शादी करने दीजिए बा। लड़के वालों से मैं बात करूंगा। जो लोग रिश्ता लेकर आए थे उनसे रिश्ता मैं खत्म करूंगा बा। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि गौरी खुश रहे। प्लीज बा, प्लीज। नहीं, मुझे नहीं करनी प्रणव की शादी। क्या कह रही हो तुम ये? थक चुकी हूँ प्रणव, इस प्यार के लिए लड़ते लड़ते भागते भागते थक चुकी हूँ मैं, और नहीं लड़ सकती। अपनी हालत देखो, मेरे लिए केरोसिन में भीगे खड़े हो, हाथ में माचिस है। ये हमारा प्यार है? ऐसे जिंदगी बिताएंगे हम? नहीं बा, आप सही कह रही हो। आप जहाँ बोलोगी मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौरी, मैं हूँ ना बेटा। मामा जी, मान लीजिए मैं प्रणव से शादी कर लेती हूँ, पर हम शादी निभाएंगे कैसे? जिंदगी भर यूं ही भागते तो नहीं रह सकते ना? और सच कहूं तो मैंने हार पहले ही मान ली थी। बाकी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो भी गई थी, फिर अचानक प्रणव को देखा और फिर बस मेरा मन बह गया और कुछ नहीं। मैं अब और नहीं भागना चाहती। अगर मुझे एक अच्छी जिंदगी बितानी है तो यही अच्छा होगा कि मैं बाकी मर्जी से शादी कर लूं। तुमसे शादी करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? जिंदगी भर बस यूं ही भागते रहना होगा। मुझे अब और नहीं लड़ना, नहीं भागना। तुम जाओ यहां से। बाने का ही जल्दी से नीचे आ जाओ, और हाँ तुम लोग भी चलो, बारात आने वाली है। जा रही है शानी, आज मेरी हेल्प नहीं करेगी तैयार होने में? प्यार नहीं करती है। तुम्हें क्या लगा सबकी तरह मैं भी मान जाऊंगी? तुम्हें लड़ने की ताकत नहीं है दी, इसलिए यहाँ पर बैठी हो। जीत गई थी, भाग गई थी यहाँ से, फिर क्यों वापस आई? क्यों कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तूने कभी प्यार नहीं किया निशानी, इसलिए ऐसे कह रही है। मैंने तो प्रणव से बहुत प्यार किया है, और उसने मुझसे कल अपनी जान तक देने को तैयार हो गया था। तुझे क्या लगता है शानी, अगर मैं भागकर शादी कर लेती तो बा यूं ही छोड़ देती हमें? तू जानती नहीं है क्या बा को? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेती हमसे, प्रणव की नौकरी छुड़वा देती हमें, हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती। और ये सब तो शायद हम सह भी लेते, पर माँ, माँ का कोई सहारा है क्या? पापा के गुजर जाने के बाद वैसे भी कोई इज्जत नहीं है उसकी, ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। फिर बा दिन रात उसे ताने कसती कोसती, मेरी गलती की सजा मेरी माँ भुगतती, ये मुझे मंजूर नहीं है शानी। पर दी, मैं और पापा तो थे ना तुम्हारे साथ। आज थे ना शानी, तूने देखा ना एक दिन में क्या कुछ हो गया। कब तक छुपती मैं बाकी नजरों से, घर वालों के सामने तमाशा बना के खड़ा कर देती और कहती देखा ऐसा होता है प्यार करने वालों के साथ। मैंने प्यार किया है शानी, प्यार का मतलब जानती है?
प्यार का मतलब होता है खुद की खुशी भुलाकर उसकी खुशी के बारे में सोचना, खुद को मिटा देना ताकि वो जी सके। यही प्यार है शानी। अगर मैं प्रणव से शादी कर भी लेती तो हम उसे निभाते कैसे? छुपते छुपाते, बिना घर, बिना पैसे, बिना नौकरी। मैंने भी सोचा, गौरी जाने दे उसे, आज तो उसे नफरत करेगा, फिर कल वो घाव भी भर जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई और आ जाएगी उसे खुश करने के लिए, उसके सामने मुझे गालियां देगा, कोसेगा, पर खुश तो हो लेगा। अगर बाकी मर्जी से शादी करके मैं प्रणव को इस सब से बचा सकती हूँ तो यही सही। ईशानी, तू भी सोचती होगी ना, ऐसी दीवानी हो गई है गौरी, इतना सब सह गई थी, वो भी अकेले। गौरी, बाहर नीचे बुला रही, चलें। ईशानी, तुम बिल्कुल सही थी। गौरी तुम सब में से सबसे बेस्ट है। आज मैंने आशिकी की एक अलग मिसाल देखी, जिसके बिना जी नहीं सकते। उसकी खुशी के लिए उसे दूर हो जाने का दर्द, उसके खातिर अपनी जिंदगी लुटाने का दर्द, शायद इसी को आशिक कहते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह। ये माधवी जी बा, अरे माती भारत, जमाई को क्या दरवाजे पे खड़ा रखना है? अरे सास बन जा, सास नाक खींचेगी ने। ये सोड़ी ये नाना वटीर साजन बैठू मांडवे वगैरह वगैरह ले जाना। हेलो ईशानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कॉलेज के बाद अब दिखी हो? वैसे परसों तुम चिराग की पार्टी में आ रही हो? सुनाई नहीं दे रहा। अरे चिराग, चिराग मेहता। क्या बात कर रहा है यार, चिराग आ रहा है? हाँ। पार्टी कब है? परसों। नो यार, तुम लोग सब वहां जाओगे ना? हाँ। बहुत एंजॉय करोगे तुम लोग तो यार। अरे तुम भी चलते ना यार। रे प्रतीक, इनविटेशन नहीं हमारे पास में। तो वैसे ही मुझे पार्टीज का कोई शौक नहीं है, वो मुझसे बिना इनविटेशन के कभी नहीं। तुम लोग चिराग की पार्टी के बारे में बात कर रहे हो?
वाओ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी उसी के पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। हाँ, लड़कियों को तो लगता है, तुम लोग तो लट्टू हो जाओगे उसके पीछे।